दिल्ली के एम्स से ये बड़ी खबर, जहां पर आग लगने की खबर है। आग किस तरीके से लगी और कितने बड़े पैमाने पर लगी है, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। धुएं का काला गुबार साफ दिखाई दे रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, आग की लपटें भी दिख रही हैं। आग जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, ये कोशिशें फिलहाल हैं, वरना बड़े स्तर पर भी फैल सकती है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एम्स की। देश भर से मरीज आते हैं, प्रमुख संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान है। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 8 गाड़ियां इस वक्त दमकल की मौके पर हैं। लेकिन आप जो धुएं का गुबार उठ रहा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग भीषण है। और इसी के मद्देनजर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। मनोज हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या खबर? और बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड को करीब 11:55 पर ये जानकारी मिली थी कि एम्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो 7 का फ्लोर है वहां पर आग लग गई है। इसके बाद जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने अपनी 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा है, जो आग बुझाने का काम लगातार कर रही है। अब फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और क्योंकि अभी तक की जो जानकारी फायर ब्रिगेड से मिल रही है उसके मुताबिक आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। मनोज, जिस तरीके से आग लगी है, तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, क्या जैसा कि आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी के पास से आग लगी है, क्या कुछ मरीजों को अलग वार्ड्स में भी शिफ्ट करने की नौबत है? क्योंकि इस तरीके का जो गुबार होता है ये अच्छे स्वस्थ इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये आग लगी तो जो एम्स का एम्स डिपार्टमेंट के पूरे सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी मौके पर पहुंच गए थे और जो वहां पर मरीज या कुछ और लोग मौजूद थे उन्हें वहां से तुरंत हटा दिया गया था। और फायर ब्रिगेड को तुरंत जब जानकारी दी गई थी तो फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तो उन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का यही कहना है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको कोशिश यही की गई है कि वहां से पूरी तरीके से हटा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है धुएं का गुबार वहां पर बन जाता है और क्योंकि पेशेंट है और पेशेंट को दिक्कत भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो ये एक राहत की बात मनोज, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें परेशानी बढ़ाने वाली मनोज जरूर हैं। कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई, कितने बजे ये आग लगी और किसी तरह का नुकसान उस वक्त तो नहीं हुआ था, अब किस तरीके से वहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो डिप्टी फायर चीफ हैं अतुल गर्ग, उनसे मेरी बातचीत हुई है तो उनसे पहले उनका साफ तौर पर ये कहना था कि 11:55 पर फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली थी कि एम्स में इमरजेंसी के पास जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर आग लग गई है। अभी फिलहाल आग कैसे लगी है ये भी साफ नहीं हो पाया है। जानकारी मिलते ही तुरंत जो 8 गाड़ियां थी उन 8 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है और वहां पर पहुंचने से पहले ही जो एम्स का स्टाफ है, जो एम्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने बाकी मरीजों को और इसके अलावा जो और भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटा दिया है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां हैं वो वहां पर मौजूद है। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी इस आग पर काबू पा लिया जा सके। और जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक यही कि अभी तक फिलहाल कोई हताहत नहीं है, लेकिन आगे देखना होगा कि आगे आग कितनी देर में बुझाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके की आग चिंताएं बढ़ाने वाली होती है। बड़ी खबर है दिल्ली एम्स में आग की खबर आ रही है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग लगी है, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है इस वक्त और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि अगर ये आग फैलती है तो जो वहां पर मरीज भर्ती हैं उनके लिए ये एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। ऐसे में जो अमला है प्रशासन का, पुलिस का, वो मौके पर मौजूद है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। दिल्ली एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं कि 11:55 पर पहली कॉल फायर ब्रिगेड को गई थी कि एम्स में आग लगी है और उसके बाद से ही पूरा जो सिस्टम है वो अलर्ट पर है, सभी अधिकारी हरकत में है और मौके पर फिलहाल 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। फिर से एक बार रुक कर लेते हैं मनोज का। मनोज, क्या मौजूदा स्थिति वहां पर, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं लोगों की? इमरजेंसी वार्ड के बगल में आप बता रहे हैं कि वहां पर आग किसी वजह से लगी, क्या और जानकारी इस पर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि एम्स में आग लगी और एम्स से पूरे देश भर से जो पेशेंट है वो वहां पर पहुंचते हैं और इमरजेंसी में भी काफी वहां पर भीड़ रहती है। जिस पर आग लगी थी थोड़ा बहुत अफरा तफरी का जो माहौल था वो वहां जरूर फैल गया था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा संस्थान है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है,
तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की संख्या है, जो और भी स्टाफ की संख्या है, वो काफी ज्यादा है। तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले उन्होंने हालात को काबू में करने की कोशिश की थी। जितने भी मरीज पेशेंट या उनके जो तीमारदार वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, उन्हें वहाँ से दूर कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड भी तुरंत ही पहुंच गई थी। तो अधिकारी से जो हमारी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि जो अभी आग बुझाने का काम है वो लगातार चल रहा है और स्थिति जो है वो थोड़ी देर बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार आग लगने के जो कारण थे वो क्या थे और क्या इसमें कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो जानकारी मिली है, अभी तक किसी के हताहत हमें होने की कोई जानकारी नहीं है। पूरा एम्स का स्टाफ वहां पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि एम्स के अंदर काफी संख्या में मरीज आते हैं और अगर आग फैलती है तो बहुत ज्यादा आज बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की यही कोशिश है कि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाए। बिल्कुल मनोज, और जो तस्वीरें हैं ये इन तस्वीरों को देखकर भी लग रहा है कि आग अच्छी खासी ये लगी है, इसका रूप विकराल है। क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी भी कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो 8 गाड़ियां हैं वही मौके पर पहुंची हुई हैं। और जो मैं जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उन्होंने तस्वीरें भी जो भेजी हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिस तरीके से पहले एक धुएं का गुबार नजर आ रहा था, अब धुएं का गुबार नजर नहीं आ रहा है। और जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें मैं यही देख पा रहा हूँ कि जो आग बुझाने का काम है वो लगातार चल रहा है और जो धुएं का गुबार सामने निकल रहा था या फिर आग की लपटें जो निकल रही थी वो अब मुझको सामने नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद इस आग पर जो जरूर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए राहत इस बात की है कि कोई हताहत नहीं हुआ और मनोज जैसा बता भी रहे हैं कि जल्द ही आग पर काबू पाने की कोशिश भी है, क्योंकि जो धुएं का गुबार है वो थोड़ा कम हो गया है और बताया जा रहा है कि एंडोस्कोपी रूम में आग लगी है। किस वजह से लगी, क्या वजह थी, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या फिर कोई दूसरी वजह, ये अभी बात की बातें हैं। तमाम चीजें क्लियर होने में अभी समय लग सकता है। एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी है और किस तरीके से, देखिए हड़कंप वहां पर मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा क्योंकि पहले ही मरीजों के तीमारदार परेशान और ऐसे में इस तरह की घटना लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम करती है। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे लगातार मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में आग लगी है, एम्स में इस वक्त आग लगी हुई है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए।